नमस्कार राधे राधे सभी व्यूअर्स को। गणपति बप्पा मोरया। तो जैसे कि आप सभी को पता है कल गणपति चतुर्थी है, तो मैं सोच रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी तक आपने अविश्वास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। इसी के साथ वीडियो अंत तक देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो में कमेंट में गणपति बप्पा मोरया लिखना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। क्या पता आपके एक शेयरिंग से किसी को कोई जानकारी प्राप्त हो सके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी गणपति लेकर के आने वाले हैं, तो जो पहली बार गणपति लेकर के आ रहे हैं उनके लिए मैं ये जानकारी देना चाहूँगी कि जो आप गणपति लेके आए हैं वो ज़्यादा बड़े ना लेके आए, क्योंकि गणपति की जैसे मुझे जानकारी मिली है या मिलती है, मैं हर त्यौहार के आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। तो गणपति का कुछ ऐसा होता है कि जैसा जितना बड़ा आप फर्स्ट टाइम रखते हैं उसके नेक्स्ट डे आपको उससे एक इंच बड़ा रखना होता है। ऐसी हर बार पहली बार से एक इंच और बड़े रखने होते हैं। फिर अगर ज़्यादा बड़े हो जाए तो मैं उसका आपको फिर किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो आपको इस तरीके से गणपति रखने होते हैं। गणपति को खुश करने के लिए आप उनको डेली दुर्वा जरूर चढ़ाएं, पान हो सके तो आप पान भी डेली चढ़ा सकते हैं। इसी के साथ साथ आप गणपति जी को स्वादिष्ट भोजन, जितने दिन वो आपके घर में हैं तो आप उनको स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बना करके खिलाइए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, प्याज लहसुन आप स्किप कर दीजिएगा भोजन में। उसके अलावा आप बाहर का घर का कैसा भी भोजन उनको खिलाइए, क्योंकि वो लंबोदर है, उनके पेट में सब समा जाएगा और वह खुश भी होंगे आपकी खातिर देख करके, आपके भाव देख करके। क्योंकि गणपति बप्पा साल में एक बार ही सभी के घर आते हैं, कुछ घरों में तो पहली बार ही आएंगे इस बार, तो ऐसा रहेगा। इसी के बाद आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उनको मोदक बना करके खिलाएं। हाथ से अगर मैं मोदक बनाऊंगी घर में तो मैं आपको उसकी रेसिपी भी जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊंगी। मोदक आप गणपति चतुर्थी पर या जितने दिन आपने गणपति रखे हैं उस बीच कभी भी आप उनको मोदक खिला सकते हैं, या आप डेली चाहें तो डेली भी खिला सकते हैं। पीले लड्डू उनको बहुत पसंद है, यानी कि बेसन के लड्डू, आप वो भी खिला सकते हैं। इसी के साथ साथ आप डेली छोटी 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 सी गोलियां बना लीजिए गुड़ की, आप उसको भी गणपति को अर्पित कीजिए। ये कहते हुए ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः या श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, इससे आपका जाप भी हो जाएगा और आप वो गोलियां गणपति जी को अर्पित करेंगे तो गणपति जी बहुत ही प्रसन्न होंगे आपकी पूजा से, आपकी सेवा से। हो सके तो किसी ना किसी को आप दान जरूर कीजिए, छोटा बड़ा जैसा आपका सामर्थ्य है। मैं नहीं कहूँगी कि आप सामर्थ्य से परे जा कर के कोई भी चीज़ करें, सभी चीज़ आप सामर्थ्य के अकॉर्डिंग करें। और गणपति बप्पा को ढेर सारे भजन सुनाइए, खुद गाइए, नाचिए, गाइए और अपने गणपति बप्पा को मनाइए। और डेली आप गणपति बप्पा से रिलेटेड कोई भी जाप हो करना बिल्कुल ना भूलें। जाप का ऐसा नहीं है कि आप माला लेकर ही जाप करेंगे, आप कोई भी जाप का भजन चला सकते हैं, भजन भी गा सकते हैं, उसी में भी गणपति बप्पा का नाम कई बार आ जाता है। आप चाहें तो फिंगर टिप्स पर भी कर सकते हैं, आप चाहें तो अंधाधुंध भी कर सकते हैं। अंधाधुंध मेरा कहने का मतलब है आप चलत फिरत जाप कर सकते हैं, जैसे कि आप काम करते समय भी ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः का जाप कर सकते हैं, या ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। कुछ भी आपको नहीं आता तो सिर्फ और सिर्फ ये जपिए, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। तो आप इस तरीके से गणपति बप्पा को इन दिनों खुश कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शेयर इसलिए कीजिएगा ताकि किसी के काम ये वीडियो आ सके। और मैं शिवानी जल्द से जल्द आप तक विसर्जन का वीडियो लेकर के आऊँगी। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। राधे राधे, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। उसके बाद आपको